हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। व्हाट इज अप गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग चालू करने वाले हैं तुम लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग। तो चालू करने के पहले, जैसा कि तुम लोग जानते हो भैया, हर वीडियो में शुरू का पांच मिनट आपका चलता है लेक्चर। तो ये शुरू के पांच मिनट आप लोगों को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ स्मार्ट वर्क करने। अब एक बात बताओ, स्मार्ट वर्क हो और वहां पर मेरा नाम ना है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो स्मार्ट वर्क की अगर मैं बात करूँ तो भाई इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है ना, सबसे पहले दिल से इंस्टीट्यूट को थैंक यू बोलो। किस लिए? 20 मार्क्स फ्री में देने के लिए। अरे भैया क्या बोल रहे हो आप? एक बात बताओ, सीबीएसई के एग्जाम दिए थे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बुक थी वो 20 मार्क्स फ्री में दिया था कि नहीं? सीबीएसई कितना इजी क्वेश्चन आता था। जैसे तुम लोग अगर अभी अभी वाला अटेम्प्ट दियो भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल के दिया था ना, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम बता रहा हूं, 12th क्लास था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल के दिया था। और क्या चीज, जब 20 मार्क्स सीबीएसई फ्री में देती है, तुम्हारी इंस्टीट्यूट सीएमए इंस्टीट्यूट भी फ्री में तुमको 20 मार्क्स देती है। किस पोर्शन में बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग में। क्यों भैया? कॉस्ट अकाउंटिंग तो हमको डफ लगता है बेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग से इजी तो तुम्हारा पूरा पोर्शन नहीं कहीं पर, और 20 मार्क्स ऐवे ही मिल जाता है। कैसे? अगर अच्छे से पढ़ो तो तरीके से समझो। कॉस्ट अकाउंटिंग में तुमको समझना क्या है? तुमको कॉस्ट अकाउंटिंग में अपना डेफिनेशन समझा है तुम्हारा। तुम कौन हो? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हो, सीएमए बनने वाले हो, तो तुमको तुम्हारी डेफिनेशन जाननी कि तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम लोगों को क्या करना है आगे चल के, वो सब चीजें, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी चीजें बेसिकली थ्योरी कंटेंट है, पर थ्योरी को हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में समझेंगे। प्लस एक और चीज है कि बहुत ज्यादा कंटेंट भरा हुआ है इसमें थ्योरी वाला, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं ना हाईलाइट करा दूंगा। अब देखो यहाँ पर दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ। देर आर टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। एक बच्चे जिन लोगों की राइटिंग स्पीड ना स्लो होती है, और दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनकी राइटिंग स्पीड अच्छी होती है। ठीक है, तो ये जो दोनों भी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो मैं ये बोला रेकमेंड करना चाहूंगा कि जिसकी राइटिंग स्पीड स्लो है वो ना नोट्स बना ले, जो हाईलाइटेड पोर्शन होंगे उसके नोट्स बना ले, और जिसकी राइटिंग स्पीड फास्ट है वो टाइम ना वेस्ट करते हुए हाईलाइटर लो, अपनी बुक को हाईलाइट कर दो, और जो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे उसी को पढ़ लेना। बाद में रिविजन के टाइम की बात करो, पढ़ेंगे पूरा लेकिन हाईलाइटेड कर देना। ठीक है, चलो देखो मिल तो गया। अब मैं तुम लोगों को सबसे पहले बता दूं, भाई तुम लोगों को वैसे भी पता होगा पर फिर भी बता दूं, 12 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, 8 मार्क्स का कॉस्ट शीट आता है। स्पेसिफिकली कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन 8 मार्क्स के होते हैं, पर जैसा कि तुम लोग जानते हो चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, सितंबर को अगर एग्जाम ऑनलाइन होता है, जो कि होने की प्रोबेबिलिटी भाई 100% हो चुकी है कि अगर एग्जाम नहीं हो सकता स्कूल से, हमको पता है कोरोना के केसेस देख के, तो एग्जाम अब ऑनलाइन होने वाला है, और ऑनलाइन होने वाला है तो पूरा 20 मार्क्स का एमसीक्यू आ जाएगा। एमसीक्यू टफ नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे डर रहे हैं कि एमसीक्यू कैसा होगा क्या होगा, भाई एमसीक्यू इजी आएगा, मैं श्योरिटी दे रहा हूं तुमको। कैसे पता चलेगा तुमको? तुमको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना। जो जो तुमको मीनिंग समझाया जा रहा है यहाँ पर, उसको मीनिंग को समझ लो अच्छे से, एक दो बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तुम्हारा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद करेंगे, और कॉस्ट शीट के क्वेश्चन हम लोग बड़े वाले भी कर लेंगे। ठीक है, और कॉस्ट शीट रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, सीएवी इंस्टीट्यूट का निकाल के मॉड्यूल, या और किधर से भी एमसीक्यू निकाल के करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये देखो तुम्हारा स्टडी नोट नंबर 4 है कॉस्ट अकाउंटिंग। एक सेकेंड, स्टडी नोट नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना है ओरिजिन क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो मैं एक बात बता रहा हूं तुम लोगों, सबसे पहले कॉस्ट मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट। देखो हम लोगों को पहले नाम ही पढ़ना, चैप्टर का मीनिंग समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है भैया कि क्या खर्चे इनकर हुए हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हम लोगों का जन्मों जन्मों का साथी है, ये क्या है, ये कैलकुलेटर। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कैलकुलेटर, तो तुम लोग बोलोगे भैया ये जो प्लास्टिक के कीज लगे हैं उस पर कुछ खर्चा हुआ होगा, मान लो 20 रुपए। ये जो डिस्प्ले लगी वो 5 रुपए की होगी, ये जो पीछे प्लास्टिक लगा है, फाइबर लगा है, इस पर 10 रुपए खर्चा हुआ होगा। तो मैं बोला बेटा कॉस्ट क्या हुआ, तो तुम लोग बोले भैया 20 + 5 + 10 भैया 35 रुपीज हो गया। तो 35 इज द कॉस्ट ऑफ दिस कैलकुलेटर। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ऐसा खर्चा जो इनकर होता है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो हमारा कॉस्ट होता है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग मतलब होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, है ना, फोरकास्टिंग, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? अकाउंटिंग। तो जब मैं बोलता हूं कॉस्ट, फिर मैं बोलता हूं अकाउंटिंग, और फिर मैं दोनों को साथ में बोलता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वो आता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो फ्यूचर में, क्या करने वाले हो तुम लोग? तुम लोग कॉस्ट की अकाउंटिंग करोगे, तुम लोग कॉस्टिंग करोगे। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग शॉर्ट में बोलते हैं कॉस्टिंग करोगे तुम लोग, और उसके अंदर तुम क्या करोगे, एक प्रोडक्ट में जो भी खर्चे होते हैं, ठीक है, उसको तुम लोग एनालाइज करोगे, तुम लोग कॉस्ट शीट बनाओगे, उससे तुमको पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद तुम लोग उसकी अकाउंटिंग करोगे, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करोगे, फिर उसके बाद बैठ के सोचोगे समझोगे, क्योंकि यू आर अ कॉस्ट अकाउंटिंग एट द सेम टाइम यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पोस्ट बड़ी होती है ना,
कॉस्ट अकाउंटेंट की पोस्ट छोटी होती, मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पोस्ट बड़ी होती, पर तुम लोग दोनों भाई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट साथ में हो, तो तुम्हारा दोनों काम है, तुमको तो दोनों करना पड़ेगा। तो इसलिए बोलता हूं अपने दिमाग को थोड़ा डेवलप करो, रटना छोड़ के समझे करो। तो वही चीज मैं तुमको पूरा यहाँ थीसिस समझा रहा हूं कि कॉस्ट अकाउंटेंट वो होता है जो पूरा कॉस्ट निकालता है। एक फॉर्म में तुमको क्यों हायर करूंगा, मैं सीए हूं, मेरे को नहीं आती कॉस्टिंग, ठीक है, मैं सीए हूं, तो मैं तुम लोगों को बुलाया कि बेटा आओ मेरे को कॉस्टिंग करके दो, मेरे को मेरा कॉस्ट कम करवाना है, ठीक है। तो तुम लोग आओगे, पहले पूछोगे भैया कहाँ कहाँ खर्चा होता है, तो मैं बताऊंगा मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, ठीक है, मेरा वाईफाई का खर्चा होता है, ठीक है, मेरा ये जो भी सामान मैं लेके रखा सब ईएमआई पे, तो उसकी ईएमआई हर महीने कटती है, ठीक है। तो मैंने तुमको ये खर्चे बता दिया, अब तुम लोग कॉस्ट शीट बनाओगे, कॉस्ट शीट बनाओगे, फिर तुम देखोगे कि कितने कितने खर्चे, अभी मैं खर्चों का क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, पर तुम देखोगे कितने कितने खर्चे हुए, फिर तुम पूरी एनालाइज करोगे, फिर तुम बताओगे। अब फाइनली मैं तुम लोग से पूछा बेटा कॉस्ट शीट बन गई, तुम लोग बोले हाँ बन गई। अब मैं तुम लोग से पूछा अब ये बताओ मैं कॉस्ट कम कैसे करूं, अब तुम लोग मेरे को ये बताओ, तुम लोग हो अकाउंटेंट, तुमको बताना पड़ेगा। तो तुम जब मेरे को बताओगे तो कि भैया कॉस्ट कैसे कम हो, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। क्या बोलते हैं? कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट मतलब होता है एक खर्चा जो एक प्रोडक्ट के ऊपर है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एनालाइजिंग, ये सब चीजें। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? उन कॉस्ट पे कंट्रोल करना, ठीक है, उन कॉस्ट पे कंट्रोल करना। तो ये सब बातें, तो देखो सबसे पहले मैं ओरिजिन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूं। तो भाई ओरिजिन कुछ ऐसा है कि भाई कॉस्ट अकाउंटेंट कहां नहीं लगता, ये बताओ। मैं स्कूल गया, स्कूल वाले नहीं चाहते, प्राइवेट स्कूल वाले नहीं चाहते अपना कॉस्ट कम करना। भैया गवर्नमेंट स्कूल वाले चाहते हैं अपना कॉस्ट कम करना। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल वाले क्यों नहीं चाहेंगे अपना कॉस्ट कम करना, मुझे पहले ये बात बताओ। क्या गवर्नमेंट के पास अपार पैसा है क्या कि नहीं हम उड़ा सकते हैं कितना भी लॉस हो? गवर्नमेंट वाले भी कॉस्ट अकाउंट रखती। भाई तुम लोगों का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा है कॉस्ट अकाउंटेंट्स का। अगर तुम लोग सैलरी जॉब करना चाह रहे हो, बेसिकली अगर तुम लोग जॉब करना चाहते हो, जॉब वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर्स तो भाई तुम लोग तो मतलब अपना ही दिमाग लगा लोगे, उसका टेंशन नहीं, तुम लोगों को गाइडलाइंस क्या ही दूं मैं। लेकिन जिन लोग जॉब करना चाहते हो भाई, गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूर ट्राई करना। तुम्हारी अगर लोअर लेवल की भी गवर्नमेंट जॉब लग गई और तुम लोग उसमें अपने सीएमए का डिग्री लगा दिए, तुम्हारा प्रमोशन हो जाता है। बहुत डिमांड है कॉस्ट अकाउंटेंट, बहुत ज्यादा। सेक्शन 148 कंपनी एक्सक्लूसिव है तुम लोगों के लिए, रिजर्व्ड। सीए लोग वहां अपना हाथ भी नहीं मार सकते, तुम लोग हो उसके लिए एक्सक्लूसिव राइट है तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो, और मेरे को यह भी पता है फ्यूचर में तुम्हारी डिमांड भी बहुत बढ़ने वाली। कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैं खुद करता हूँ बैठ के कॉस्टिंग, ठीक है, अपना वो कम करने के लिए, एक्सपेंडिचर कम करने के लिए, और जय जुगाड़ तो करता ही हूँ, तुम लोग देखे हो तो वो बात है। तो ओरिजिन क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी चीज है जो हर जगह यूज होती है, हर जगह, स्कूल, कॉलेज, घर, घर में भी यूज होती है। इनडायरेक्टली मैं क्या बोला, हमारे घर वाले भी यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली ओरिजिन में वही सारे बातें लिखी है, थोड़ा हम लोग देखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ऑल मींस ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस भी नहीं यार, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर में भी कॉस्ट अकाउंटिंग होती होगी, हमको क्या पता। बड़े बड़े तिरुपति बालाजी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, शिरडी साई बाबा ट्रस्ट, इन लोग जो जितने भी ट्रस्ट है, इन लोग कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करवाते होंगे, करवाते होंगे। इन लोग के पास सीए नहीं होंगे, होंगे, सीएमए नहीं होंगे, होंगे, सब होंगे भैया, करवाते हैं सब, ठीक है। तो देखो, ट्रैक एक्टिविटीज रिक्वायर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रैक देयर एक्टिविटीज, कॉस्ट अकाउंटिंग हैज लॉन्ग, ये हाईलाइट मत करना ना, ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जो तुम लोगों को ब्लू कलर से बोलूंगा वो हाईलाइट करना, ब्लू वाले रीजन हाईलाइट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज लॉन्ग टाइम यूज, मैनेजर हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट। देखो बोल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग एक मैनेजर को मदद करता है कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस पता लगाने में। मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बोल रहा है मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग का भाई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, पर इसको हाईलाइट कर लो कि मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग का भाई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान, ठीक है। व्हेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रनिंग अ लार्ज स्केल बिजनेस लेड टू डेवलपमेंट सिस्टम रिकॉर्डिंग एंड ट्रैकिंग द कॉस्ट। क्यों आई? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया तो कॉस्टिंग टफ हो गई, तो अब यहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए। क्यों? ताकि हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। अर्ली एज द कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस वर मॉडर्न कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, इंडस्ट्रीज, ये वो, मनी स्पेंड, लेबर, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोपोर्शनेट टू, ये सब चलो ये सब तुमको पता है। मैं दो चीज का मतलब बता देता हूँ, कहाँ गया, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ये दो चीज का मैं तुम लोगों को मतलब बता देता हूँ, बस इसी के ऊपर चर्चा करूंगा, बाकी पैराग्राफ तुम कट कर देना, ठीक है। ये पैराग्राफ में तुमको कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो, मेरे को एक बात बताओ, तुमको वैसे पता होगा पर फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए भाई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो किसी को ना पता हो किसी को बताओ। तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, और जिसको पता है वो भी देख लो, क्या पता कुछ नया पता चल जाए। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो पर यूनिट बेसिस पे वो होता है, मतलब भैया जैसे मान लो मेरे को एक कैलकुलेटर बनाना है, तो मेरे को कितना प्लास्टिक, ये मेरे को सिर्फ ये वाला बन के मिलता है, मेरे को ये जो पीछे का पोर्शन है मेरे को बन के मिलता है, तो एक कैलकुलेटर के लिए मेरे को ये कितना लगेगा, एक ही लगेगा। दो कैलकुलेटर के लिए दो लग जाएगा, पांच के लिए पांच,
50 के लिए 50 लग जाएगा। पर एक बात बताओ, मैं यहां इस रूम में जहां बैठ के कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, यहीं बैठ के कर रहा हूं कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर, तो इस रूम में मैं रेंट देता हूं मान लो 10,000 पर मंथ, तो 10,000 का जो रेंट देता हूं, तो मैं एक कैलकुलेटर बनाऊं, मैं 10 बनाऊं, मैं 50 बनाऊं, मैं 1,000 बनाऊं, रेंट तो 10,000 दूंगा ना महीने का, रेंट चेंज होगा क्या? नहीं, रेंट 10,000 रुपए ही होगा। तो दैट इज माई फिक्स कॉस्ट, जो कि कितना भी यूनिट बढ़ा लूं या कम कर लूं, रेंट 10,000 ही रहेगा, इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है? जो कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वो भी खर्चा बढ़ते जाएगा, तो दैट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का यही मतलब होता है, वेरिएबल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स कॉस्ट डज नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, दैट्स ऑल, ठीक है। ये तुमको पता होना चाहिए था, क्लास 11th हम लोग पढ़े ना, ठीक है। फिर अब इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग कहां से इवॉल्व हुआ, ठीक है। पहले बोल रहा हूं बार बार, ये देखो ये वाला हाईलाइटर यूज करूंगा ना, ब्लू वाला, तब हाईलाइट करना, ठीक है। देखो, एवरी मॉडर्न बिजनेस हैज टू मेक इट्स टफ की कॉम्पिटिशन एंड अनसर्टेनिटी और रिस्क, बोल रहा है हर बिजनेस को कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क से होके गुजरना पड़ता है अपने बिजनेस, हाँ गुजरना पड़ता है भैया, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क रहती, कॉम्पिटिटर्स रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी टैक्टिक्स लोग लगाते हैं, बहुत सारी चीजें, तो कि अपने आप को ऊपर दिखाए तुमको नहीं चाहिए, तो ये सब चीजें जो होते रहती है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसके लिए हम लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग, हम लोगों को कीन ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है बिजनेस इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि अनसर्टेन है और मेरे हाथ में भी नहीं है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। क्विक चेंजेस इन द सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑल्सो क्रिएट इंपैक्ट अपॉन बिजनेस, चेंज इन पॉलिटिकल आउटलुक, गवर्नमेंट एनकरेज। अब देखो ये चीज तो मैं तुम लोगों को बताया था, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीजें ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मैनेजमेंट देखियो वीडियो, ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि तुम्हारे बिजनेस को सीवियरली इफेक्ट कर सकते हैं। और एक और बात बता रहा हूं ना तुम लोग को, तुम लोग क्या सोचते हो बिजनेस सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट, सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव नहीं होता, तो तुम लोग बेटा जाके अपने सीनियर लोगों से पूछना, सीनियर वो जिनके पास तुम आर्टिकलशिप करने जाओगे, उनसे जाके पूछना, जीएसटी के टाइम में ना वांदे हो गए थे सीएससीएमए लोगों के, मतलब हम लोगों का छप्पड़ फाड़ के भगवान दिया था जीएसटी जब आया था, तो इतना कमाए इतना कमाए इतना कमाए, तो सोचो हम लोगों का भी बिजनेस रहा सीएससीएमए जो हमारे जो बन चुके हैं उन लोगों का सर लोग का, तो उन लोग बहुत कमाए जीएसटी के टाइम में, क्योंकि जीएसटी इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, लोगों को समझने में टफनेस आई, और जब उनको टफनेस आई उन लोगों को प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ी, तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है, कि हम लोगों को भाई कई लोगों के साथ पॉजिटिव कई लोगों के साथ नेगेटिव हो जाता है, इट कैन बी पॉजिटिव एट अ सेम टाइम और नेगेटिव एट अ सेम टाइम फॉर समवन, ठीक है। तो ये होता है, इन द ओल्ड टाइम्स कंसर्न्स स्मॉल इन साइज, कॉम्पिटिशन नहीं होता था, सोशल इकोनॉमिकल बहुत रेयर होता था। देखो यही सब बोल रहा है कि पुराने समय की बात है, ये वाला पैराग्राफ भी नहीं पढ़ने लायक है, बस एक बार रीडिंग कर लो ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जस्ट अ रीडिंग, दैट्स ऑल, और मैं तुमको समझा रहा हूँ इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा ये है, देखो इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ना तुम लोग बना ही लोगे, और मेरे को लगता नहीं आएगा, पर आएगा भी तो तुम लोग बना लोगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि बेसिकली पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत कम बिजनेस होते थे, बहुत कम कंपटीशन होता था मार्केट में, एक एरिया में ये मिठाई वाला बेच रहा है, एक एरिया में ये मिठाई वाला बेच रहा है, उसके एरिया में उसकी चल रही है मनोज स्वीट्स की, इसके एरिया में इधर मौसाजी की चल रही है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं। पर आज क्या हुआ, मौसाजी अपनी 10 ब्रांच डाल दिया, मनोज वाला अपनी 10 ब्रांच डाल दिया, अब कॉम्पिटिशन तगड़ा है, तो अब जरूरत है कॉम्पिटिटर्स को भापने की, कॉस्ट को कम करने की, ताकि सेल्स बढ़ जाए, क्योंकि तुमको पता है मानो या ना मानो हम कंज्यूमर बहुत चिंदी होते हैं, और हमको जहां सस्ता मिलेगा हम उधर ही भागेंगे, है ना, वी नो दैट, दिस इज द फैक्ट, कि जहां सस्ता मिलेगा हम वहीं भागेंगे, और सस्ता प्लस क्वालिटी भी चाहिए ना, ऐसा नहीं क्वालिटी नहीं मिलेगी तो फिर, क्वालिटी नहीं मिलेगी तो फिर, तो क्वालिटी तो भाई दोनों देते हैं, नो डाउट, मेरे सिटी के दो बड़े स्वीट्स वाले हैं मनोज स्वीट्स और मौसा जी, तो मैं उन्हीं का एग्जांपल ले लिया, क्वालिटी तो दोनों देते हैं, पर मेरे को ना जहां सस्ता मिलता है वहीं जाता हूं, और मैं मनोज के पास जाता हूं, ठीक है, तो मैं मौसा जी को वो नहीं कर रहा हूं, मैं मौसा जी से केक लेता हूं ना, क्योंकि मनोज का केक नहीं मिलता और उसका स्वीट्स बहुत औसम मिलते हैं, तो वो बात है सस्ता दे रहा है। तो अब बताओ, पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, पहले सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर अब हो रहे हैं, तो इसीलिए कॉस्टिंग की जरूरत पड़ी, इसलिए क्या जरूरत पड़ी, कॉस्टिंग की। तो जस्ट अ रीडिंग दिस पैराग्राफ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, ओके लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया, जस्ट एक रीडिंग ले लेते हैं, इसको हाईलाइट करना है। इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स, देखो इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो अमाउंट आप पे किए हो किसके लिए, गुड्स और सर्विसेज, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कैलकुलेटर के लिए तुम लोग क्या पे किए, तुम लोग 150-200 रुपए का होगा कैलकुलेटर, तो दैट इज कॉस्ट, बेसिकली सेल्स प्राइस था, उसमें प्रॉफिट भी ऐड था, है ना। द रिसोर्सेज गिवन अप आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, सबसे बड़ी बात, कॉस्ट किस टर्म्स में, कितने रुपए, मैं तो अभी रुपए में एग्जांपल लिया ना, तो मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू होता है, ठीक है। कॉस्ट डिफाइंड, देखो कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ गिवन थिंग,
क्या बोला, ध्यान से देखो, यही सबसे मेन लाइन है। कॉस्ट क्या होता है, एक एक्सपेंडिचर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मैं बोला ना कॉस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड, शुरू में ही बोला था। तो एक्सपेंडिचर किसके ऊपर हुआ, इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल, मतलब या तो खर्चा डायरेक्ट हुआ है और या तो उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं एट्रीब्यूट कर सकता हूँ, किसको, टू अ गिवन थिंग और टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ अ गिवन थिंग, ताकि हम लोग जो जो सामान है, जो हम लोग बेसिकली जो सामान बनाया है उसका हम लोग कॉस्ट निकाल सके। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जब पढ़ाता हूँ लोकल लेवल पे तो मैं फीस चार्ज करता हूँ, ठीक है, यूट्यूब में तो मैं फ्री में डालता हूँ, लेकिन जब मैं लोकल लेवल पढ़ाता हूँ मैं फीस लेता हूँ लोगों से, तो जब मैं फीस लेता हूँ तो बेसिकली उसमें मेरा सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, मैं कॉस्टिंग करता हूँ, मैं मिनिमम फीस, मेरा जितना कॉम्पिटिशन है मैं उसको खा जाऊंगा, मेरे को लगता है आने वाले 2-3 साल में। क्यों, क्योंकि मेरी फीस इतनी कम है, जस्ट लाइक 50% है, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है उनसे 50% फीस है, मैं क्यों खा जाऊंगा। सिंपल सिंपल सा रीजन है, मैंने किया पूरा एनालिसिस बिजनेस इन्वायरमेंट का, मेरे को ये समझ में आया कि बच्चों को किस कैसे पढ़ने में मजा आता है, और मैंने वो टेक्निक लगा दी भाई। लिटरली मेरी लाइव क्लास में गाने बजते हैं, जब सॉल्विंग होते रहती है अकाउंट्स मैथ्स, तो लाइव क्लास में मेरे गाने बजते हैं। तो मेरे को चाहिए कि बच्चे लोगों को स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, बच्चों को ओपन अप चाहिए। आजकल के बच्चे थोड़े से ओपन अप है, तो उन लोगों को थोड़ा ओपन इन्वायरमेंट चाहिए, थोड़ा लोग फ्री रहेंगे तो लोग डाउट पूछेंगे। कम्युनिकेशन टू साइड होना चाहिए, आपके तरफ से भी मेरे तरफ से भी, वन साइडेड कम्युनिकेशन को नहीं पसंद। प्लस पेरेंट्स कॉस्ट को भी देखते हैं, तो कॉस्ट कम है, दूसरी बात भाई मार्क्स कंटिन्यूअस अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे जो भी खर्चे होते हैं बच्चों के, जितने भी पूरे साल में उन लोगों के क्वेश्चन पेपर बनवाना है, तो जिसको पैसा देना है क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग विंटिंग ये सब का मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करके भेज देता हूँ, क्वेश्चन पेपर बन के आता है, तो वो सब चीजें हैं, तो वो सब मिला के मैंने कॉस्टिंग निकाली। उसमें मैंने अपना जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरा लास्ट में जो बचता है वो मैंने एट्रीब्यूट किया, और टोटल एक कॉस्ट निकाला, ठीक है, और उतना ही कॉस्ट हमें चार्ज करता हूँ, ना ज्यादा ना कम। आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट मोनोपोली, ठीक है, कि मेरे को ज्यादा चार्ज करना है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो मैं तो फ्री में पढ़ाऊंगा, जो बच्चा गरीब है उसको, मेरे को क्या टेंशन है। मेरा तो भाई प्लानिंग यही है, मेरे को एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है इंटरनेट में कि भाई कॉमर्स के लिए ना, कॉमर्स के लिए है ना, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ किसी इंसान से, और मेरे को ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है इंटरनेट में कि एटलीस्ट प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स फ्री में एक्सेस करें पूरा लेक्चर। 1,000, 2,000, 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं पेड कर दूंगा लेक्चर, नहीं, वापस आके देखना जरूर, तुम लोग सीएमए बन जाओगे, मेरे को पता है, ठीक है, मेरे को बहुत भरोसा है तुम लोगों के ऊपर, तुम लोग सीएमए बन जाओगे, पर वापस आके देखना जरूर कि क्या ये चैनल में अब पेड लेक्चर बिकना चालू हुए हैं। कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट सीरीज हो गई, नोट्स हो गई, वो सब चीज के लिए बंदे लगते हैं यार, और वो बंदों की सैलरी देने के लिए 100-150 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो वो चीज हटा दो। मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो वीडियो बना के देता हूँ ना, जो बेचता हूँ बाकी सब लोगों को, वो यहाँ तुमको फ्री में मिलेगा। किसको, उन बच्चों को जो नीडी पीपल्स है। लाइक अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक है, कोई नहीं ले पा रहा क्लास, कोचिंग वाले क्लास नहीं ले पा रहे, बच्चे क्लास जा नहीं पा रहे, और सबके पेरेंट्स की इनकम बंद। इस सिचुएशन में बच्चा क्या करे, क्या करे, मेरे पास आएगा, मैं पढ़ाऊंगा ना, क्या टेंशन है। तो वो बात है, तो कॉस्ट क्या होता है भाई, ऐसा खर्चे जो इनकर्ड हुए या एट्रीब्यूट हुए किसी भी थिंग को, जो थिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट, दिस इज थिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो मेरा क्या होता है, कॉस्ट होता है, ठीक है। तो इतना पोर्शन हाईलाइट करता है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल आउटगोइंग और एसर्टेड चार्जेस इनकर्ड इन प्रोडक्शन एंड सेल, कॉस्ट इज अ जेनरिक टर्म एंड इट्स ऑलवेज एडवाइसेबल टू क्वांटिफाई द वर्ड कॉस्ट टू शो एग्जैक्ट एंड व्हाट इज मीन एट अ प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, संक कॉस्ट। अब देखो, ये प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, संक कॉस्ट जो है येलो से हाईलाइट किया हूं, क्योंकि लिखना नहीं है, ये मैं तुम लोग को आगे समझाऊंगा क्या होता है प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, संक कॉस्ट, कॉस्ट शीट के टाइम समझाया जाएगा, ठीक है। कॉस्ट इज ऑल्सो, या चलो बाद में समझाऊंगा। कॉस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू, एज कॉस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वेयर एज वैल्यू इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूजफुलनेस, यूटिलिटी और आर्टिकल। देखो, एक और चीज यहाँ पर बोल रहा है, कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू, कॉस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ कॉस्ट एज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वेयर एज वैल्यू इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कॉस्ट इसलिए डिफरेंट टर्म है क्योंकि कॉस्ट को हम लोग मनी वैल्यू पे टर्म्स करते हैं, मनी वैल्यू पे मेजर करते हैं। वैसे तुम लोग को याद होगा कि तुम लोग जब पढ़े थे मार्शल का, तो उसमें वो 11th क्लास में बोला था कि इसीलिए यूटिलिटी को तुम रुपीस के नाम से वैल्यू कर लिया करो, पर दैट इज समथिंग इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स हम लोग अकाउंट्स में नहीं घुसा सकते, अकाउंट जो है वो एकदम फैक्ट पे बात करता है, ठीक है। तो जितना पोर्शन हाईलाइट हुआ है तुम उतना ही से पढ़ोगे तो बेटर है, ठीक है। तो हाईलाइट अपनी बुक में इतना ही पोर्शन को कर लेना। नेक्स्ट है कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कॉस्टिंग। ओके, जिन बच्चों की राइटिंग स्पीड स्लो है भाई, विनती नहीं करूंगा, ऑर्डर दे रहा हूं, लिखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, राइटिंग स्पीड स्लो है तुम्हारी, तुम्हारा अगर दिसंबर में अटेम्प्ट है और अगर तुम्हारा अभी अटेम्प्ट है सितंबर में, तो बस एमसीक्यू आ रहा है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, समझो लॉजिक, समझो कुछ भी, रटना मत, 2-3 बार पढ़ लो, बात खत्म है, ठीक है। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, मैं बता दियो, कॉस्टिंग मतलब क्या होता है कि तुम्हारा वो तरीका है, एक सेकेंड रुकना, हाँ बेटा चलो देखो,
तो कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट. सबसे पहले यही लाइन, कॉस्टिंग क्या होता है? टेक्निक और प्रोसेस होता है जिससे हम लोग कॉस्ट एसर्टेन करते हैं. मतलब पता लगाओ, पता लगाओ कैसे हुआ. बहुत सारे तरीके होते हैं कॉस्टिंग करने के भाई. प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, सर्विस कॉस्टिंग होता है, जॉब कॉस्टिंग होता है, यूनिट कॉस्टिंग होता है, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, बहुत सारे कॉस्टिंग होते हैं. भैया पता कैसे चलेगा कौन सा कॉस्टिंग टेक्निक यूज करे? फर्म पे डिपेंड करता है. तुम जिस फर्म की कॉस्टिंग करने गए हो वो फर्म कौन सी है? वो सर्विस सेक्टर तो नहीं है? सर्विस कॉस्टिंग लग जाएगा. ठीक है. और तो कॉन्ट्रैक्ट वाले तो नहीं है? कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लग जाएगा. ठीक है. निम्रस प्रोसेस है, उसमें उस फॉर्म के अंदर अलग अलग प्रोसेस चलते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के, प्रोसेस कॉस्टिंग लग जाएगा. ठीक है. तो कॉस्टिंग तो बेटा डिपेंड करता है, तुम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ोगे इंटर में, यहाँ बहुत छोटा सा पोर्शन है. तुम लोगों को अभी बहुत महाज्ञानी बनना है, तुमको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं. ठीक है. आगे चल के जैसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, क्योंकि वी आर अकाउंटेड, यू आर कॉस्ट अकाउंटेड, तुम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे आगे चल के. तो अभी बस इतना ही समझ लो, कॉस्टिंग होती है बड़े सारी तरह की. तो तुम्हारी न्यूमरस टेक्निक्स होती है कॉस्टिंग करने की, और तुमको बेस्ट सूटेड सिलेक्ट करना पड़ता है, फॉर्म पे डिपेंड करता है. ठीक है. दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ, देखो दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज विद गवर्न द प्रोसीजर ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. अच्छा मैं तुम लोग ग्रीन पेन मार दिया, मैं ब्लू पेन बोला था. ये देखो ये ब्लू पेन मारो इसमें, ये यहां से यहां तक, मतलब इसमें जहां तक मैं ये देखो ग्रीन मारा वहां तक ब्लू, मतलब हाईलाइट करो अपनी बुक में, और इधर भी. ठीक है. ये इधर भी. ठीक. तो क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर वो प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं, रूल्स बने हुए हैं प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है. विच गवर्न द प्रोसीजर ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. जिससे तुमको क्या पता चलेगा, तुमको पता चलेगा कि कैसे एक प्रोडक्ट का या फिर एक पर्टिकुलर थिंग का हम कैसे कॉस्ट निकाल सकते हैं. दैट इज पर्टिकुलरली कॉस्टिंग. ठीक है. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? रूटीन ऑफ, देखो दिस प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग इंक्लूड रूटीन ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है. तो तुमको ये देखो और टाइप्स दिए हैं कॉस्टिंग के, स्टैंडर्ड होता है, मार्जिनल होता है. ठीक है. लेबर कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, बहुत सारे कॉस्टिंग होते हैं. ठीक है. सबके अलग अलग होते हैं. तो ये बोल रहा है कि तुमको बेसिकली सारे कॉस्ट के बेसिस पे, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे हिस्टोरिकल हो, इस बेसिस पे तुमको कॉस्ट निकालने में ये चीज हेल्प करती है. तो ज्यादा कुछ नहीं, जितना हाईलाइटेड पोर्शन है उसको हाईलाइट कर देना. नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब मैं बता दिया तुम लोगों को, कॉस्ट निकालोगे उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, फोरकास्टिंग सब कुछ करोगे उस कॉस्ट डेटा का यूज करके. तो दैट इज नथिंग बट अ कॉस्ट अकाउंटिंग. वन मोर थिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग भी एक चीज होती है. मैनेजरियल अकाउंटिंग भी है तुम्हारे बुक में, आगे है, यही बताता हूँ जो तुम लोग करते हो. मैनेजरियल अकाउंटिंग में तुम क्या करते हो, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग करके जो डेटा बनाया हो ना, कहाँ है डेटा? ये है डेटा. चलो अब ये कैलकुलेटर को तुम बुक मान लो, ये आ गया मेरे हाथ में कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा. अब इस डेटा को मैं करूंगा एनालाइज, एनालाइज करूंगा, एनालाइज करके पॉलिसी बनाऊंगा. किसकी पॉलिसी? फर्म के लिए. पॉलिसी, प्लान्स, डिसीजन मेकिंग, ये सब काम कौन करता है? मैनेजर करता है. कौन है मैनेजर? तुम ही लोगों मैनेजर. तो तुम ही लोग ये सब डेटा का यूज करके क्या करोगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग करोगे, यानी डिसीजन मेकिंग, प्लान्स, पॉलिसी फॉर्मेशन, ये सारी चीजें तुम करोगे इसी कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा का यूज करके. पर कहां पर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, यहां नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर. ठीक है. तो वो तो हम लोग आगे खैर पढ़ेंगे, पर ये आ गया तो साथ साथ में समझाना जरूरी था. अब देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. अरे मैं फिर ग्रीन पेन ले लिया. चलो, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ सुटेबल अरेंज डेटा फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड गाइडलाइंस ऑफ द मैनेजमेंट. ये देखो, ये एक शब्द मैनेजमेंट के चक्कर में मैं तुमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सप्लेन किया, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे को वो भी तुमको समझाना पड़ता. तो देखो बेसिकली क्या होता है, क्लासीफाई करना, रिकॉर्ड करना, एप्रोप्रिएट एलोकेशन करना. भैया एलोकेशन क्या होता है? एलोकेशन बेटा मतलब ये होता है कि तुम ऐसे नहीं लिख सकते कॉस्ट इनकर्ड 100 रुपए, ना ऐसे नहीं लिख सकते. तुमको इस कॉस्ट इनकर्ड को दिखाना पड़ेगा तोड़ तोड़ के, कि इस कॉस्ट इनकर्ड में कुछ मटेरियल था, कुछ लेबर था, कुछ ओवरहेड्स थे, कुछ फैक्ट्री था, कुछ एडमिन था, कुछ सेलिंग था. ठीक है. मान लो 10 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये देखो. ठीक है. तो ऐसे तुमको इस कॉस्ट को एलोकेट करके दिखाना पड़ेगा, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना. तो दैट इज व्हाट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. इसका मतलब एलोकेशन होता है. ठीक है. इट इंक्लूड द एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरी ऑर्डर, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस. ये देखो बोल रहा है इसके अंदर सब कुछ आता है, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरी ऑर्डर, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, सर्विस और यूनिट एज मे बी एप्रोप्रिएट. देखो यूज किया है यहाँ पर एप्रोप्रिएट. एप्रोप्रिएट मतलब डिपेंड करता है, तुम किसकी कॉस्टिंग कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. तो दैट्स व्हाई इट्स यूज एप्रोप्रिएट. इट डिज विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दस
The provision of such analysis specifically expenditures will enable the total cost of any particular unit of production or service to be ascertained with reasonable degree of accuracy, and at the same time will disclose exactly how such total cost is constituted, that is the value of material, the value of labor. Ye dekho, value of material, value of labor and the expenses incurred, so as to control and reduce the cost. Kyo karte hain? Control and reduce the cost. This is the object. This is the object of cost accounting. Objective of cost accounting kya hai? To control and reduce its cost. Theek hai? Thus, cost accounting is collection, classification, ascertainment. So finally, cost accounting relates to collection, classification, ascertainment of cost and its accounting and control relating to various elements of cost. Theek hai? So itna kafi tha. It established budget and standard cost, actual cost, operation, process, variance, probability, social use of funds according to Kohler, costing a branch of accounting dealing with classification, recording, allocation, summarizing. वही सब चीजें लिखी, Kohler का definition लिखा है. एक और चीज जो यहाँ पर लिखा है वो ये कि ये जो cost accounting है, तुम लोगों को पता है, financial accounting करोगे तुम लोग इंटर में जाके, और financial accounting जो है ना वो assumptions पे कम based होती है. Assumption वहां भी लगते हैं, जैसे we assume कि WDV यूज कर रहे हैं, SLM यूज कर रहे हैं depreciation के लिए, we assume वहां assumptions कम यूज होती है. Cost accounting में तुम लोग बहुत सारी assumption यूज करोगे, बहुत सारी forecasting based तुम लोग data यूज करोगे, तुम लोग profitability ratios यूज करोगे, तुम लोग trend analysis यूज करोगे, तुम लोग बहुत सारी चीजें यूज करोगे बजट बनाने के लिए. बजट मतलब स्टैंडर्ड. बजट मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड सेट करना. ये स्टैंडर्ड सेट हो गया है, इतने में प्रोडक्शन होना चाहिए. अब एक बात बताओ, फर्म प्रोडक्शन कर दी, प्रोडक्शन करके भारी भरकम लॉस हो गया, उसके बाद कॉस्टिंग करने का क्या फायदा? हाँ करोगे कॉस्ट, पर अब जब कॉस्टिंग करोगे तो उस कॉस्टिंग डेटा को अगले साल के शुरुआत में यूज करोगे. एक फैक्ट की बात बताता हूं तुम लोगों को, कॉस्ट अकाउंटिंग जो चीज है वो सबसे पहले यूज होगी. जैसे ही साल स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पिछले साल का निकालो, क्या क्या गलतियां किए थे, इस साल सुधारो, फिर आगे बढ़ो. समझे? तो बेसिकली अब ये तुम्हारे क्या रहते हैं, पिछले साल के डेटा के बेस में तुम इस साल का एस्टीमेशन निकालते हो. इस साल का क्या निकालते हो? एस्टीमेशन, कि कैसे कॉस्ट कंट्रोल होगा, कैसे खर्चे कंट्रोल होंगे, ये सारी चीजें तुम निकालते हो. तो दैट इज नथिंग बट योर कॉस्ट अकाउंटिंग. तो इसके लिए तुम बहुत सारी चीजें यूज करते हो, तो वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है. तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब तुम लोगों के बुद्धि में घुस चुका होगा, आई नो दैट. चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है? ओहो, कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है? तो बेसिकली देखो, जैसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटेंसी देखे थे, वैसी कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है. मैं तुम लोगों को एक मस्त डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं. ये देखो, ये है कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये है कॉस्टिंग, और ये है कॉस्ट. ये देखो, अब तुम लोगों को समझ में आएगा. तो सबसे ब्रॉडर टर्म क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी सबसे बड़ा है, उसके अंदर क्या आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग. उसके अंदर क्या आता है? कॉस्टिंग. उसके अंदर क्या आता है? कॉस्ट. उसके अंदर क्या आता है? कॉस्ट. तो कॉस्ट अकाउंटेंसी सबसे ब्रॉडर टर्म है. जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़े थे, अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क्स. वो इसका मतलब भी वही होता है. रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स जिससे तुम कॉस्टिंग करोगे, जिससे तुम कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे, वो क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है. क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है. तो आइए जरा इस पर भी देखते हैं थोड़ा. Cost accountancy is the application of costing and cost accounting principles, methods and technique to the science, art, practice of cost control and the ascertainment of the profitability. इसको blue line से highlight करना था मेरे को, इतना portion तुम लोग भी highlight कर लो. ठीक है, cost accounting accountancy का तुमको मतलब बताया कि क्या है? Principle है, method है, technique है ना? Principle, method और technique है. काहे का? Science, art और practice of cost control and profitability. Cost control and ascertainment of profitability मतलब हमको cost control करना है. भैया cost control क्या होता है? बता दिया था शुरू में ही, cost control क्या होता है. ठीक है, और इससे तुम क्या करोगे? profitability ascertain करोगे. समझ में आ गई क्या बात? घुसा बुद्धि में कुछ? yes. तो it include the presentation of information derived from there on the purpose of the managerial decision making. क्या बोल रहा है? managerial decision making के लिए use होता है. क्यों? manager क्या decision लेता है भैया? manager तो policy बनाता है, plan बनाता है. तो yes, policy और plans किस basis बनाएगा? cost accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब होती है? 31 मार्च. 31 मार्च को होती है. आज तक तुम लोग भ्रम में जी रहे थे बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी 31 मार्च को नहीं होती. बैलेंस शीट 31 मार्च को बनाई जाती है एज ऑन दैट डेट, एज एट 31 मार्च. लेकिन बैलेंस शीट बनने में ना अप्रैल, मई, जून तक का समय लग जाता है किसी भी कंपनी की. तुम लोग खुद सोचो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सितंबर अक्टूबर तक क्यों पहुंचती तुम्हारे पास? क्यों? 31 मार्च को तो बन जाती है, सितंबर अक्टूबर में क्यों पहुंचती तुम्हारे पास? अगर तुम लोगों को पता होगा तो सितंबर अक्टूबर पहुंचती. रीजन क्या है उसका? 31 मार्च तक की बनती है, पर बनने में एक दो महीना और एक्स्ट्रा लग जाता है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरे हिसाब से इस साल के अंत पे होता है.
पर कॉस्ट अकाउंटिंग तो सबसे शुरुआत में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साल के स्टार्टिंग में ही तो प्लान करूंगा कैसे कॉस्ट कम करूं, बाद में थोड़ी करूंगा, जब खर्चा हो गया उसके बाद थोड़ी ना प्लान करूंगा, जब खर्चा नहीं हुआ तभी प्लान करूंगा कि खर्चा कैसे कम करूं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, Thus the cost accountancy is the science and art and practice of cost accountancy is the science because it is a systematic body. ये science क्यों है? क्योंकि ये systematic body है और having certain principles और cost accountancy should be proper discharge of his job. It is an art because it require ability and skill. ये तो हम लोग पढ़ के भी आए ना, ये art, sorry कहाँ पढ़े हम लोग ये चीजें management में पढ़े, ठीक है। तो अगर management का video नहीं देखे हो, देखो जाके, management का video डल चुका है, तीन ठोक डाला है शायद, ठीक है, मेरे को नहीं पता, I think तीन डल गए होंगे। तो ability और skill art में लगता है। With the cost accountant is able to apply the principle of cost accounting to the various managerial problems. Practice include the continuous efforts of a cost accountant in the field of accountancy. Such efforts also include the presentation of information for the purpose of managerial decision making, keeping statistical record. तो बात यहाँ पर at the end of the घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहा है कि managerial decision making के लिए cost accountancy use करता है cost data को, ठीक है। तो बात खत्म, इतना ही हाईलाइट करना जितना पोर्शन में लिखा हो, पूरा बार बार 25 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है चीजों को। ये वर्ड्स देखोगे तुम लोग को याद आ जाएगा, अरे ये वर्ड देख ली याद आ गया, ये वर्ड देख लिया याद हो गया, तो दैट इज कीवर्ड्स, ठीक है, तुमको तुरंत क्लिक करेगा। इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग की, क्यों करूं मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्यों मैं सीएमए को हायर करूं अपने पास, मैं तुमसे तुम्हारा काम पूछना चाहता हूँ, मैं क्यों एक सीएमए को बुलाऊंगा अपने फॉर्म में, क्यों? तो वो पॉइंट यहां पर क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है मैनेजमेंट को जरूरत है तुम्हारी, दूसरा है, ओहो बंद कैसे हो गया, एक मिनट रुको, देखो इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस टू वर्कर, इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस टू जनरल पब्लिक, तो बेसिकली फाइव हेड है और उसमें सबसे ज्यादा जो यूजफुल बंदा है मैनेजमेंट ही है, सबसे ज्यादा काम तुम्हारा कोई ले रहा है तो मैनेजमेंट ही ले रहा है, ठीक है। तो क्या क्या काम ले रहा है जरा देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन एंड सब डिविजन ऑफ कॉस्ट, तो मैंने तुम लोगों को बताया कॉस्ट जो है अलग अलग क्लासिफाई होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिर उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर वो प्राइम कॉस्ट बनता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है, फिर वर्क्स कॉस्ट आता है, फिर उसमें एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बहुत सारे क्लासिफिकेशन और सब डिविजन होते हैं कॉस्ट के। तो पहला काम वही है क्लासिफिकेशन सब डिविजन। तो देखो कलेक्ट कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड बाय वेरियस बेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड सर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच एरिया ऑफ एक्टिविटी। कॉस्ट क्लासिफिकेशन करने का रीजन क्या है, ताकि एरिया वाइज हम समझ पाए कि क्या मटेरियल में कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, या लेबर में कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, या ओवरहेड्स, ओवरहेड्स क्या होता है बेटा, एक्सपेंसेस होते हैं, तो क्या ओवरहेड्स में कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, एज अ होल बोल दिया ये कैलकुलेटर में मेरा 100 रुपए खर्चा है, इसका कॉस्ट कम करके दो, अब तुम लोग खुद सोचो, अब तुम लोग सोचने बैठ जाओगे 100 रुपए खर्चा तो आया, और 100 रुपए खर्चा आया कहां पर, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें। तो वही चीज, पर अगर मैं तुमको बता दूं इसका जो वो है मटेरियल है वो आता है 20 रुपए का, लेबर आता है 30 रुपए का, ठीक है, ओवरहेड्स लगते हैं 50 रुपए के, ऐसा तुम लोग को बता दूं, तो अब तुम लोग एनालाइज कर सकते हो कि मटेरियल का कहीं से खर्चा कम हो सकता है क्या, या लेबर का कहीं से कम हो सकता है क्या, या ओवरहेड्स कहीं से कम हो सकता है क्या। तो दिस इज व्हाट एनालिसिस, और ये कैसे पॉसिबल है, सब डिविजन से पॉसिबल है, ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स कॉस्ट, ये देखो आ गया मटेरियल लेवल ओवरहेड्स कॉस्ट का कंट्रोल करना। तो देखो वेरियस इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आर यूज्ड टू कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट, बोल रहा है मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भयंकर तरीके हम यूज करते हैं, यस, मटेरियल कॉस्ट को, फॉर एग्जांपल फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, अच्छा ईओक्यू, ये सब टेक्निक कहां पढ़ोगे, इंटर में, क्या क्या पढ़ते हैं, ईओक्यू, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, ये सब पढ़ोगे तुम कहां पर, या फिर कोई बीकॉम का बच्चा है तो तुम्हारी जिंदगी में सुख है, तुम पढ़ चुके हो, है ना, बीकॉम कौन सा ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर में कॉस्टिंग रहेगा, उसमें तुम ये तो जरूर पढ़ लियोगे, ईओक्यू, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, भले कॉस्टिंग इन डेप्थ नहीं पढ़े होगे पर एटलीस्ट ये बेसिक चीजें पढ़े होगे, ठीक है। और वैसी एन एफिशिएंट चेक ऑन लेबर मशीन्स इज प्रोवाइडेड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेबिलिटी ऑफ मशीन एंड लेबर कैपेसिटी। अब हम लोग लेबर, आप लोगों को पता है बेसिक एकदम एग्जैक्ट आइडियल टाइम निकाला जाता है, आइडियल टाइम क्या होता है, खाली टाइम, आइडियल मतलब क्या होता है, खाली टाइम, तो मशीन और लेबर लोग का आइडियल टाइम कैलकुलेशन होता है खाली टाइम कैलकुलेशन, और फिर देखा जाता है कि कौन सी मशीन जो है खाली पड़ी हुई है तो उसको फिर प्रोडक्शन में डालो, कौन से लेबर खाली बैठे रहते हैं, उन लोगों का कौन कितना टाइम आइडियल जा रहा है, उनको भी कहीं प्रोडक्टिव काम में लगाओ, कोई आइडियल टाइम नहीं चलेगा यहाँ पर, उनको भी कहां लगाओ, प्रोडक्टिव कामों में लगाओ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइम। तो ये सब कैलकुलेशन एग्जैक्टली तुम लोग कॉस्टिंग में करोगे कि तुम लोग चेक करोगे कोई भी लेबर खाली ना बैठे रहे, कोई मशीन खाली ना रहे, 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, 100%, समझे। नेक्स्ट, द वर्क इज टू बी प्लान वेरिएबल, इट कैन कंट्रोल द ओवरहेड कॉस्ट, और बाय क्लासिफाइंग द ओवरहेड्स इनटू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, ये तो मैं काट दिया, ये देखो
कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल और फिक्स्ड और वेरिएबल। तो हम लोग कॉस्ट को किस पर डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड में और वेरिएबल में। अब वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, सप्लायर चेंज कर देंगे, सप्लायर कोई सस्ता वाला मिल जाए उसको ले लेंगे। पर फिक्स्ड कॉस्ट का बहुत फायदा है यहाँ पर कि अगर मैं 10 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जैसे अब यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का मैं तुमको एडवांटेज बताता हूँ, तुम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुम लोगों को ये चीज खुद सोचनी चाहिए। पर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मान लो मैं 10,000 की रेंट दे रहा हूँ और मैं 100 प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो पर यूनिट कितने का खर्चा हुआ, 100 रुपए। सॉरी, ये ना रेंट है, ये रेंट है और ये यूनिट्स है, ठीक है। तो मैं अब कमरे का किराया तो नहीं बढ़ेगा कितना भी प्रोडक्शन करूं, 10,000 का रेंट यूनिट्स में 1,000 कर दिया, पर यूनिट कितना हो गया, 10 रुपए। 10,000 का रेंट, 10,000 यूनिट प्रोडक्शन चालू कर दिया, पर यूनिट कितना हो गया, 1 रुपए। तो क्या मेरा कॉस्ट कंट्रोल हुआ, क्या मेरा प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट कम हुआ, हाँ, 90 रुपए, 9 रुपए, बाप रे। तो प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट ऐसे कम होता है। तो ऐसे बुद्धि तुम लोग लगाओगे, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं भाई मेरा काम अलग है, तुम्हारा काम अलग है, ये बुद्धि कौन लगाएगा, तुम लोग लगाओगे, ठीक है, कि कैसे तुम कॉस्ट को कम कर सकते हो। इसीलिए ये सारी चीजें ना अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है, इसलिए बोलता हूँ। लॉ और इको तो नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, इको बेसिकली काम में नहीं आएगा हमारे, मेन बात ये है इस वजह से, ठीक है। इकोनॉमिक्स इसलिए डाला गया तुम्हारा काम आसान हो जाए यहाँ पर। बाकी एथिक्स बहुत जरूरी है, एथिक्स तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। एथिक्स नहीं है, नॉन एथिकल काम करोगे तो जिंदगी में दुख भोगोगे, तो एथिकल होना चाहिए हम लोगों को किसी भी जगह पे। प्लस तुम लोगों का ये कॉस्टिंग बहुत जरूरी है, ठीक है, तुम लोगों की अकाउंटिंग बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स बेसिक्स आना बहुत जरूरी है जो तुम्हारे सिलेबस में। तो इंस्टीट्यूट सिलेबस बहुत प्यारा सेट किया है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के सिलेबस सेटिंग में वी कैन नॉट डाउट, ठीक है, कि नहीं ये सब क्यों है, ये क्यों है, हर चीज कहीं ना कहीं काम आएगी। तो इसको सीखो, इसको अपने अंदर उतारो कि हाँ भैया बोल रहे हैं तो हमको उतारना है। तो आज से जब भी कोई सामान देखोगे ना घर में, उसकी कॉस्टिंग करने चालू कर देना। अच्छा, ये टीवी इसका ग्लास है 200 रुपए का, ठीक है, इसका जो प्लास्टिक लगा है 1,000 रुपए का, ऐसे कॉस्टिंग करना चालू कर देना, ठीक है। तुम लोग एकदम विजनरी होने चाहिए, ठीक है, विजुअलाइजेशन में चले जाना पूरा, समझे। नेक्स्ट है प्राइस डिटरमिनेशन। अब एक बात बताओ, कॉस्टिंग करने से क्या फायदा होता है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलता है, और पर यूनिट कॉस्ट जैसे मान लो 100 रुपए है कैलकुलेटर का, मेरे को इसमें 50 रुपए प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे को पता चलता है अरे वाह मैं इसको 150 में बेचूंगा, कितने में बेचूंगा, 150 में। तो बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए भी कॉस्टिंग यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने में, डिसीजन मेकिंग हेल्प करने में, मैनेजर को हेल्प करती है। तो बिजनेस पॉलिसी में रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड प्रोसीजर्स, ठीक है, वही पॉलिसी प्रोसीजर ये सब निकालने के लिए फैसिलिटेटेड बाय कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही तो निकालूंगा ना, कि जैसे मान लो मेरा जो ब्रेक टाइम था, ब्रेक जो ब्रेक वाला टाइम होता था वो आधे घंटे का होता था फर्म में, ऐसा मान लो, तुम एज्यूम कर लो। पर कॉस्टिंग डेटा ये बताया कि बेसिकली लेबर जो है वो 15 मिनट में फिर से 100% कैपेसिटी पे आ जाते हैं वापस, मतलब 15 मिनट बैठे रिचार्ज फुल और वापस आ जाते हैं। तो 15 मिनट पर लेबर, मतलब मान लो 10,000 लेबर काम कर रहे हैं और 15 मिनट्स का टाइम है, तो मैं रोज 15,000 150,000 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ, 150,000 मिनट। तो मैं नया पॉलिसी बनाया, नया वो बनाया रूल, क्या कि अब से ब्रेक 15 मिनट का होगा, दैट्स ऑल। उससे लेबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात होती है। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। भाई एक स्टैंडर्ड सेट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तुम लोग को बताया अजम्पशन पे बेस्ड है। इससे क्या होगा, एक्चुअल और स्टैंडर्ड डेटा को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको एफिशिएंसी पता चलेगी। और बाय चांस अगर डेटा जो है, मतलब जो हमारी कॉस्टिंग है, जो एक्चुअल डेटा है, वो क्या हो रहा है, एट पार नहीं परफॉर्म कर रहा है, मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो ये जो डेफिशिएंसी अराइज हुई है उसको करेक्ट करने के लिए एक्शंस लेंगे, ठीक है। एक्चुअल आर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बेस्ट सूट ऑफ लिमिटेड यूसेज, मैं तुम लोग को पहले भी बता चुका हूं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी बनेगी क्योंकि मेरे को लिखते नहीं बन रहा, बस बात यहां पर यही है, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर बहुत सिंपल सी बात मैं तुम लोगों को पहले भी समझा दी हूं कि भाई कॉस्टिंग करने से हम लोगों के रिसोर्सेज 100% यूटिलाइज होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और फाइनली स्पेशल फैक्टर्स, ये देखो स्पेशल फैक्टर्स में अंदर क्या आएगा, मैनेजमेंट अबाउट टू स्पेशल फैक्टर सच एज ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी, सीजनल वेरिएशन इन वॉल्यूम एंड कॉस्ट, आइडियल टाइम ऑफ लेबर एंड आइडियल टाइम ऑफ कैपेसिटी ऑफ द मशीन, ये सब मैं तुम लोगों को बता दिया हूँ, ये सारे फैक्टर्स आइडियल टाइम वाले फैक्टर्स मैं तुमको बता दिया। ऑल्सो हेल्प टू कर्टेल द लॉसेज ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, और ऑफ सीजन के टाइम तुम लोगों का लॉस होने वाला होगा तो उसको कवर करने में भी हेल्प करता है ये। तो दीज आर द स्पेशल फैक्टर्स फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये सब बातें तुम्हारी हो गई, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है वर्कर को, यार इसमें तो बात ही नहीं करना, कॉमन सेंस,
वर्कर को क्या इंपॉर्टेंस होगी कॉस्ट अकाउंटेंट से, भाई उसको पता चलेगा कॉस्ट डेटा से कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, वर्कर की उसमें क्या है, लेबर का क्या सिस्टम बैठाया गया है, उन्होंने स्टैंडर्ड क्या सेट किया गया है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी वहां पर रहेगी कि उसको अच्छा सैलरी मिले। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोज करता है रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वर्कर्स एंड देयर बाय फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ सुटेबल प्लान ऑफ वेज पेमेंट। ये देखो वेज पेमेंट न्यूमरस टाइप, हाल से रोवन, ठीक है, गैंट टास्क, बोनस, बहुत सारे। कहां पढ़ोगे भैया? इंटर में। कहां पढ़ोगे? इंटर में पढ़ोगे। तो कौन सा मेथड बेस्ट सूट कर रहा है मेरे फॉर्म को, कौन सा मेथड बेस्ट सूट कर रहा है, वो चीज मैं डिटरमाइन करूंगा। सबका कैलकुलेशन अलग अलग है, टेलर का है, ठीक है, तो सबका अलग अलग है, तो वो तुम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। पर हमको क्या करना है, हमको बेस्ट डिसाइड करना है। कैसे, कैसा बेस्ट? जिससे एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो, बेस्ट ऐसा जिससे एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। और रिवॉर्ड एफिशिएंसी, टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंसेंटिव टू द लेस एफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। और अ गुड सिस्टम कॉस्टिंग प्रमोट प्रोपेंसिटी टू द बिजनेस एंड देन इंश्योर ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एंड एडिक्वेट रिवॉर्ड टू वर्कर्स। तो बोल रहा है इससे भाई हम रिवॉर्ड दे सकते हैं वर्कर को। बेसिकली रिवॉर्ड देने का बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ पर, कि जो वर्कर काम अच्छे से नहीं कर रहे वो वर्कर लालच में आ जाएगा, अरे यार उसको फुल पैसा मिल रहा है, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, वो अच्छा काम करने लगेगा। और जो वर्कर अच्छा काम किया उसको तो मिल ही रहा है ना पैसा, तो वो मोटिवेट हो जाएगा कि मैं कल और अच्छा काम करूंगा। तो बेसिकली रिवॉर्ड सिस्टम से बड़ा एडवांटेज होता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। क्रेडिटर इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है, जज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बिजनेस, बात खत्म, ठीक है। तो ताकि हमको इन्वेस्ट करना है कि नहीं, या हमको इसको क्रेडिट में संभाल बेचना है कि नहीं, बस यही डिसीजन मेकिंग हो सकती है। गवर्नमेंट को क्या है, टैक्स कैलकुलेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग इंडस्ट्री एक्सपोर्ट और टैक्सेशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट तुमको क्या देती है, गवर्नमेंट तुमसे क्या लेती है, टैक्स लेती है। तो टैक्स लेती है भैया तो किस बेसिस पे लेगी, इस डेटा के बेसिस में तुमसे टैक्स लेगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी यूज करती है, कॉस्ट का भी यूज करती है, और वेरियस पॉलिसी प्लान्स ये सब बनाने में हेल्प करती है। जैसे अभी क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो बैंकों में घपले होते जा रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो, अभी यस बैंक का रिसेंटली हुआ था कोरोना के पहले, तो उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट यानी तुम्हारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने डिमांड उठाई है गवर्नमेंट से कि आप लोग कंपलसरी कर दो कॉस्ट ऑडिट बैंकिंग के लिए। बैंकिंग कंपनी है उनके लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी कर लो। अब अभी तो ये कोरोना आ गया तो उस वजह से थोड़ा सा ये बात अभी आगे नहीं बढ़ी है, पर देखो अब क्या होता है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी सीएमए की अगर ऐसा हो गया तो, कि बैंकिंग सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी हो गया तो बहुत डिमांड, मतलब इक्विवेलेंट टू सीए हो जाएगी। मतलब जो डिमांड है सीए लोगों की ज्यादा क्यों रहती है, क्योंकि सीए लोगों का कवरेज ज्यादा है ना, पर तुम लोग स्पेसिफाइड कवरेज में, अगर तुम्हारा कॉस्ट ऑडिट सिलेक्ट हो गया तो भाई भयंकर डिमांड, क्योंकि तुम समझ रहे हो छपरी से छपरी एक गली में दो कमरे के बैंकों को भी ऑडिट कराना पड़ेगा अगर ऐसा हो गया तो, कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। स्टैट ऑडिट तो कराना ही पड़ता है, कॉस्ट ऑडिट भी कराना पड़ेगा, तो वो चीज आप देखो क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, पर कॉस्ट ऑडिट होना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। रीजन ये है क्योंकि बहुत ज्यादा ही घपले हो रहे हैं अब बैंकिंग सेक्टर्स की तरफ से। दो बैंक भाई पिछले दो साल में दो बड़े बैंक घपला कर दिए, तो इसलिए अब देखो क्या होता है। द अल्टीमेट एम ऑफ कॉस्टिंग इज टू रिड्यूस। अब देखो जनरल पब्लिक को क्या है, अरे भाई जनरल पब्लिक को ही तो सबसे ज्यादा फायदा है, कॉस्टिंग करूंगा, रिड्यूस करूंगा कॉस्ट को, कॉस्ट कंट्रोल करूंगा, कैलकुलेटर सस्ता हो जाएगा, जितना सस्ता उतने सस्ते में पब्लिक के पास पहुंचेगा, जितना सस्ता सामान उतने सस्ते में पब्लिक के पास पहुंचेगा। तो भाई इसका तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसका एडवांटेज तो सबसे बड़ा है, बात को समझो यार मेरी तुम लोग, ठीक है। तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, द पार्ट ऑफ बेनिफिट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट यूजुअली पास टू द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ लोअर प्राइजेस। तो दैट्स ऑल, समझ में आई बात, ठीक है। तो तुम लोगों को इतना घुस गया होगा, अब हो गया इस वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसको रिवाइज जरूर कर लेना, और जो हाईलाइटेड पॉइंट है बस उसी को दो तीन चार बार रिवाइज करना है तुमको पेपर के पहले, बात खत्म, पैसा आ जाए, बाय बाय, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, बुम बुम।